हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत में खाने की चीजों को इतना सस्ता मिलता देख पाकिस्तानी हिंदू की उड़ गए होश। मतलब पाकिस्तानी यार हिंदू फैमिली गई हुई इंडिया, तो उधर जब खाने पीने की चीजें ग्रोसरी आइटम्स की प्राइस जब इन्होंने देखी है तो इनके भी होश उड़ गए कि वाकई में भारत भाई एक बहुत ही ज्यादा सस्ता है यार हर मामले में। तो क्या इनके रिएक्शन थे देखेंगे। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्टिंग व्हिस्की 2.25 लीटर की बोतल 100 रुपए की, मतलब ये 30 रुपए की पड़ी। ये 100 का पूरा पैकेट है, 30 की है, कितने की? 100 की पूरा। अच्छा, ये चाय की पत्ती है, ये 1 किलोग्राम 280 रुपए का जी, 1 किलोग्राम। कुकिंग ऑयल 1000 रुपए से ऊपर का किलोग्राम है, 1000 से भी ऊपर। ये 70 रुपए की 1 किलोग्राम है जी। ये सरफ 50 रुपए की, 15 और इधर 250 350 450 जी। चावल आप देखो अच्छी वाली 400 रुपए। ये है जी चीनी शुगर 43 रुपीज पर केजी, 43 रुपए 1 किलोग्राम का। भाई साहब क्या प्राइसेस है यार ये। हाँ भाई, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं जी। तो अभी मैं आया हूँ, ये ग्रोसरी की दुकान है, एक किराना की दुकान है, उस पे हम चल के पता करते हैं कि प्रोडक्ट के रेट, वहाँ के रेट और यहाँ के रेट का आज हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या कुछ हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है यहाँ के रेट्स का और वहाँ के रेट्स का। तो अभी मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना है और सामान लेते हैं और उसका भी रेट वगैरह हम आपको बताते हैं कि किस रेट पे हमें ये चीज़ मिली है। तो अभी मैं फिलहाल दुकान के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये नॉर्मल शॉप है गाइस, ये विलेज की शॉप लग रही है मुझे, विलेज की शॉप है ये। 20 की तो वहाँ पे कितनी है? 20 रुपए। प्रॉमिसली ये तो वहाँ पे जीरा एप्पल, ये तो पाइनएप्पल है नहीं वहाँ पे। ये वाले स्टिंग है, आज हम 40 की लेते हैं ना, 70 की है, 70 की। और यहाँ पे दे रहे हैं जी 20 में, यहाँ पे 20 में 20। अच्छा, और ये वाला ये छोटा सा, ये 10 का है, ये वहाँ पे छोटा है नहीं, वहाँ पे तकरीबन 25 का देते हैं ना। ये जी 2.25 लीटर की बोतल, ये वहाँ पे देते हैं 250 की, यहाँ पे 100 रुपए, 310 की। अच्छा, ये वाली है जी लाइफ बॉय, 310 की। कितने दिया था, 3 पीस? अभी 310 की होगी, 90 रुपए की, मतलब ये 30 रुपए की पड़ गई। वहाँ पे कितने की देते हैं? ये कौन सा है? 90 रुपए की। ये कितने का पैकेट है? 5 का बता रहे हैं सर, 100 का, 20 की। तो भाई ये देख लो, 20 का है जी, ये 100 का पूरा पैकेट है और इसके अंदर तकरीबन तकरीबन ये 20 रुपए की देते हैं और वहाँ पे इसका रेट लगभग 70 रुपए होगा। ये है तूफान चाय, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट कितना है? अच्छा, ये पाव है जी 70 रुपए का। ये क्या चीज है? ये मिर्ची है, ये मिर्ची आधा किलो, ये कितने की? ये मिर्ची है जी 150 रुपए की। अच्छा, ये चाय की पत्ती है, ये 1 किलोग्राम, इसको मुझे रेट नहीं पता इसका क्या रेट होगा यार। ये भी इधर महंगी होगी, 280 रुपए का जी 1 किलोग्राम। ये कौन सी सब्जी है? लीफ, ये बर्तनों के लिए 100 रुपए का लाते हैं, कपड़ों के लिए। ये मखानी है, इसको ना दरगाह वगैरह पे डाले जाते हैं और मंदिर वगैरह में प्रसादी के तौर पे मिठास होती है। तो ये कितना है? आधा किलोग्राम, आधा मीठी मीठी इधर भी आधा किलोग्राम है और 25 रुपए का। 25 का कमाल के रेट देखने को मिल रहे हैं यार, बहुत कम है तो रेट भाई। नमकीन है जी, जिसे हम पाकिस्तान में निमको दाल बोलते थे, ठीक है, निमको दाल। ये इसको सब्जी में उसमें डाल के आराम से खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये जो एक जी हमें फेमस बिस्किट देखने को मिलता है, ये 5 रुपए का, और इसके अंदर कितने होते थे? ये इसका रेट नहीं बदला यार, 10 एक हो जाते हैं, 10-12 होते हैं, और ये 5 रुपए का ओनली 4 दे रहे हैं। ये है बिस्किट। अच्छा, ये है जी मैजिक, इसके अंदर भी 10-12 है और 17% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 10-12 बिस्किट है और ये ओनली 4 5 रुपए का दे रहे हैं भाई, 5 रुपए का, 5 रुपए 5 रुपए बच्चा नहीं लेता भाई, हमें इधर देते हैं 5 के, 2 बिस्किट होते हैं। ये कोकोनट कुकीज है ओनली 4 10 रुपए का, इस तरह के इधर 40 रुपए का, ये इधर इस तरह का 40 रुपए एलईडी बल्ब, हाफ लोड अगर मैं निकाल के देख सकता हूँ, तो यहाँ से निकलेगा गुफा को, ये देखो, ये इसका रेट अभी नहीं पता है ना। तो ये कितने का? 10 का। ये जी 100 वोल्ट का बल्ब, पाकिस्तान में 100 के ऊपर लगभग कमाल के रेट देखने को मिलते हैं भाई, कमाल। आज से 2 साल पहले ये मैंने लास्ट टाइम लिया था, तो ये 20 रुपए का लिया, 50 अब 100 पे आ गया एनर्जी सेवर, तो वो 2-250 का देते हैं नहीं, एनर्जी सेवर 250 का अब नहीं रहता। अच्छा, इसके अंदर पता नहीं क्या। अच्छा, ये वाला कितने का लॉलीपॉप है? 1 रुपए पार्ले गोल्ड, ये वाला। अबे इधर 10 रुपए का लॉलीपॉप से कम है ही नहीं, 10 से कम वैरायटी खत्म हो गई है। 120
120 टॉफी सिर्फ 50। ये एक रुपए की दो है, ये एक रुपए की दो है। हम 250 रुपए की लाए, ये डाबर आमला है 130 रुपए, 70 पीस 250 रुपए। वहाँ पे इसका क्या रेट है वो भी हम आपको, वो भी आप हमें बताइएगा जरूर। लेकिन ये वहाँ पे पता नहीं कितने का मिलता है, भूल गया हूँ, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो लोकल तेल भी ज्यादा था। अच्छा, ये हल्दी का कितने का पैकेट? 40 रुपए का पाव, 40 रुपए का पाव, एक पाव हल्दी 50 रुपए, ये किलो हो गया 200 रुपए, राइट। ये क्या है? 150 से ऊपर की। अच्छा, ये है धनिया, इधर खुली मिलती है, उधर पैकेट में है, पैकेट वाली थोड़ी महंगी होती है, साफ होती है वो, थोड़ी साफ होती है, इधर खुली भी महंगी है भाई। पाव, अच्छा ये जो जितने भी प्रोडक्ट है ये सारे यहीं पे बने होते हैं ना, मतलब बाहर से नहीं आते? इंडियन में, ये जो एरिया, इस एरिया के अंदर, मतलब उसी तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ओ भाई साहब, ये मर्ची, ये सब यहीं पे, सब यहीं पे, अपने एरिया से यहाँ पे, मतलब रेड पेपर वगैरह और ये सब यहीं पे होता है ना, उगाई जाती है मर्ची, धनिया वगैरह टोटली, तो धनिया भी यहीं पे उगाया जाता है, मर्ची भी यहीं पे उगाई जाती है, मेथी वगैरह भी यहीं पे उगाई जाती है, यहीं पे यही है। अच्छा, ये जी, ये देखो, ये हमें, ये शिव धारा है जी, ये है जी 5 लीटर, ये कितने का? 550, मतलब 500 का मिल रहा है, 110 और 11 रुपए प्रति लीटर, एक इधर 550 400, मतलब 450 से शुरू हो रहा है, 600-700। और वहाँ पे कितना है? 1 kg, 1 kg वहाँ पे, 1 kg हमें मिलेगा तकरीबन 500-550। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल, ये अनमोल कुकिंग ऑयल है जी, ये कितने का एक लीटर? ये ऑयल, ये 110 रुपए का जी, ये कुकिंग ऑयल है, 1 लीटर में 110 रुपए, 1 लीटर अनबिलीवेबल प्राइस मुझे देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। ये पता नहीं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मुझे हिंदी ज्यादा पढ़ने की नहीं, सरसों आवला। अच्छा, ये सरसों का तेल है, सर पे लगाने वाला है ना, ये कितने का? 100 का। इसका वेट तकरीबन आधा किलो है ना, इसका है ना, वजन चेक करके बताते हैं, आधा किलो 100 रुपए का, 465 ग्राम, सॉरी, और इतनी पतली के, इसका जो रेट लिमिटेड है 175 रुपए है, 100 रुपए की मिल रही है, मतलब हो गया 50 लीटर। ये सरसों का तेल है 40, ये सिर्फ ओनली 40 रुपए का मिलेगा एक पाव। अच्छा, ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल, ये ओनली 499 रुपीज, ये देखो जी क्या प्राइस है, रेट है जी तकरीबन 26 मिलीलीटर। ये हमें क्या देखने को मिलती है? क्राउन, ये भी ऑयली है, ये भी ऑयल है, ये तो पाकिस्तान में है, ये कितने का? 50 का होगा, ये भी हेयर ऑयल है, नहीं नहीं, वही तो। अच्छा, ये भाई सर पे लगाने के, सर पे लगाने के 50 रुपए कोकोनट ऑयल, सादा इतना महंगा है तो ये 50 का है, कमाल जी कमाल। ये वाली क्या है? ये पापड़। अच्छा, ये पापड़ फ्राई जो किए जाते हैं, ये मुझे नहीं पता, इसका हमें नहीं पता सर। काली मिर्च, काली मिर्च, ये देखो, इसका भी रेट नहीं पता यार। अच्छा, इसका क्या प्राइस? हम थोड़ी सी लाते हैं, वो भी बड़ी महंगी प्राइस होगा, अनबिलीवेबल प्राइसेस, 100 रुपए 100 ग्राम का। ओके जी, ये वाला 100 ग्राम 100 रुपए, ये है जी नूडल्स, इससे तो बहुत महंगा होगा, ठीक है। ये कितने का पैकेट है? 15 रुपए का। ये साबुन है? अच्छा, ये कितने का? 10 का। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग पीसेस हैं? 4 है, 4 पीसेस, एक पीस कितने का? 10 का, 10 का पीस है, साबुन, गजब गजब प्राइस है, मतलब मैं हैरान हूँ यार, ऐसे ऐसे मुझे रेट देखने को मिल रहे हैं ना, अभी तक मैंने ऐसे रेट देखे ही नहीं है, यहाँ पे रेट देखने को मिल रहा है। देखो जी, इतना बड़ा 10 का, ये इसके अंदर डबल रोटी है, ये क्या है? डबल रोटी 10 पीस होगी इसमें, 10 होगी, 10 पीस 10 रुपए की, ये कितने की? 10 की 10। इसके अंदर बिस्किट कह सकते हैं, 10-20 से ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, ट्विस्ट इधर ऐसी 100 की भी नहीं होगी भाई। अब जो मेन बात आती है वो वाली सिर्फ के ऊपर, ये 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम, इसका वेट कितना? 250 रुपए किलो, ये 70 रुपए की 1 किलोग्राम है जी, ये सिर्फ थका हुआ जो है ना, वो भी 250 से ज्यादा ही। अच्छा, ये जी जो काम की चीज हमें देखने को मिलती है, ये वाली इलायची, ये 50 की 15 ग्राम आती है, 50 की
50 रुपए की 15 ग्राम में जी हिसाब लगा लीजिएगा कितने रुपए किलोग्राम वो जिसका आइडिया ये मूंगफली इतना सब पैकेट 100 रुपए का मिलता है छोटा सा आधा किलो इसका कितना प्राइस मिलेगा ये कितने की मिलेगा जिसमें 10 पत्ते होंगे मतलब 180 रुपए का 1 किलोग्राम ये कमाल ये भी एक सर्फ हमें देखने को मिलती है हमारे पास 450 रुपए किलो भी है जी 1 किलोग्राम 50 रुपए की किलो सर चावल ये है जी चावल आप देख भाई ये इसका नाम क्या है चावल का 40 रुपए किलोग्राम अच्छा ये है जी चीनी शुगर कितने भाई ये इसका क्या प्राइस है 43 रुपीज पर केजी मतलब 43 दाल कितने की मिलेगी 40 की चावल 40 रुपए की लेकिन 400 रुपए किलो दाले हैं 50 रुपए ये जो जितनी तो यार वीडियो खत्म भाई यार ये एक विलेज इलाका विलेज में हल्की फुल्की देखो कीमतें कैसी हैं या आप अंदाजा लगा लो बंदा उधर इतना सस्ता लग रहा है ये हम इधर मॉल की बात कर रहे हैं जिधर से हम लाते हैं वो थोड़ा मतलब करता है वो भाई वो इधर वो जो सस्ता समझा जाता है लोग थोड़ा कहते हैं कि उधर सस्ती थोड़ा अभी 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 इधर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में ये सिस्टम है ना 40 रुपए चावल है ना आपने बताया मुझे पूरे पाकिस्तान में आप मुझे 300 से कम अच्छा चावल लेकर दिखा दो मैं मान जाऊंगा आप लोग नहीं देता कोई भी भाई 42 रुपए किलो चीनी है उधर अच्छा आप और अंदाजे लगाओ 10-10 रुपए की भाई ब्रेड्स मिल रही हैं और ये बिस्किट मिल रहे हैं और ये चीजें 5-5 रुपए के यार मतलब ये क्या रेट चले हुए भारत ऑयल देख लो ये शायद बड़े सिटीज में और भी सस्ते हो ये गांव है उधर इतने महंगा है तो खुद मतलब थोड़ा महंगा होता है गांव में थोड़ा सा एक दो दुकानें सिटीज में और सस्ता मिल जाए सिटीज में होलसेल में तो ये और सस्ता मिल जाएगा हाँ वो देख लो यार इस बात से अंदाजा लगा लो दाले यार 40-40 रुपए गाइस ये वाली जो चीजें थी इनका रेट आपकी तरफ क्या मतलब हमारा समझो कि आपसे 10-10 गुना रेट महंगे ये जिन चीजों के प्राइस बताई गई आपके शायद उस तरफ कितनी रेट है प्लीज और कुछ चीजों का देखो हमारी करेंसी में 3 गुना का फर्क है बिल्कुल लेकिन हमारे रेट में कहीं 5 गुना तो कहीं 10 गुना का फर्क है एक एक चीज में तो ये बहुत बड़ी भाई सोचने की बात है क्यों यार इतने महंगी है यार उधर विलेज में इस तरह मैं आपको बताता हूँ इधर विलेज जाओ ना विलेज में अगर मार्केट में इधर 500 रुपए लीटर ऑयल मिल रहा है ना तो वही आपको विलेज में 550 रुपए मिलेगा उनको पता है वो लेंगे थोड़ा सा मुनाफा क्योंकि वो मुनाफा ज्यादा रहते हैं दूर से लेकर आते हैं तो फिर विलेज में ये रेट है तो फिर सिटीज में इससे भी कम होगा यार 10 रुपए का साबुन कभी सुना भाई कहते हैं ऐसी प्राइसेस हमने जिंदगी में 10 रुपए का साबुन सुना भिखारी 10 रुपए नहीं लेता यार सीरियसली यार आपका कहना है अपने रिकमेंडेशन सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार